मुझे लगता है सबसे बड़ी मुश्किल पूरे हिंदुस्तान में यही है कि जो पैसा आपका है, आम जनता का जो पैसा है, ये महिलाएं जो बैठी हैं, आपका जो पैसा है वो आप तक पहुंचता नहीं जिस प्रकार से पहुंचना चाहिए, नहीं पहुंचता। देखिए महाराष्ट्र में यूपी से बहुत बेहतर पहुंचता है, मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि डायरेक्ट आपके आपके हाथ में आए। तो ये काम हम आपके लिए दिल्ली में शुरू कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डैम और पानी ज्यादा से ज्यादा सिंचन हो, इसके लिए हमारी आपसे अनंत गुजारिश है कि आप उसके हमें मुहैया कराएं। तो ये आधार कार्ड हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप सबकी एक पहचान हो, हर आधार कार्ड से एक बैंक अकाउंट जुड़ा हो, और फिर जो भी सरकार का पैसा है जो आपके लिए जाना चाहिए वो सीधा आपके खाते में जाए। सफलता अच्छी बात है, मगर कमी कहाँ है वो मैं समझना चाहता हूँ। पानी की कमी, पानी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए थोड़ा। हमारे तरफ हर वक्त दुकल रहता है, कोई दूसरे बड़े नदी का पानी हमारे महाराष्ट्र में लाने के चाहने चाहिए। बहुत दिन से चल रहा है आपके टैंकर, आपके टैंकर में से पानी फूटता नहीं, पर लेकिन कैसे तो भगत है वो, जिसके वास्ते वो पानी के दूर से इधर लाने की कोशिश करी तो बहुत अच्छा हो गया। पानी की टंकाई तो इधर कंपल्सरी रही थी, हमारे आमदार साहब को मालूम है, साहब ने एक प्रस्ताव हमेशा रखा है कमेटी में। इधर एक धांडे का नाला बोलकर एक नाला है, उसका पानी हमेशा आउट ऑफ बढ़ जाता है, कोई डैम में नहीं जाता। तो वो नाले का पानी अगर वापस डैम में लाया जाए तो बहुत सी हमारे पीने की पानी की समस्या हल हो सकती है। आपका नाम क्या है, क्या करते हो? एयरटेल इंजीनियर। तुम आने से रास्ते में थोड़े सर, एक सेकंड, तुम जाने से रास्ते बने, बाद में और रास्ते खट्टे हो जाएंगे। एक खाली इलाज है, मुझे और आना पड़ेगा खाली। आपल्याला सर्वांची भेटू। नमस्कार, खाली खाली बसा। मैंने पहले वायदा किया था कि महाराष्ट्र में जहाँ ड्राउट है, जहाँ सूखा पड़ा, आ गया हूँ, अच्छा लग रहा है। जहाँ सूखा पड़ा है मैं जाके देखूंगा। तो आज दौरा किया है, तीन चार जगह गए और थोड़ी आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके समस्या समझना चाह रहे हैं और जो आपके विचार हैं उनको सुनना चाह रहे हैं। टैंकर आता है, कितनी बार आता है? तीन दिन, तीन बार। जैसे हमने मनरेगा चालू किया था, तो यहाँ काम हो रहा है, वैसा ही हम भोजन का अधिकार का प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में विपक्ष ने रोक रखा है, घबराए हुए हैं कि भैया भोजन का अधिकार का बिल आ ना जाए, मगर हम उसको ला के दिखाएंगे। बिल का मतलब क्या है? बिल का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में हर गरीब व्यक्ति को गारंटी करके भोजन दिया जाएगा। क्या करते हो टीचर? कितने बच्चे स्कूल में? क्या क्या सिखा रही है? ठीक चल रहा है। मेरी सोच है कि जितनी शक्ति हम आम जनता को दें, चाहे वो पंचायती राज के माध्यम से हो, आरटीआई के माध्यम से हो, मनरेगा के माध्यम से हो, भोजन के अधिकार के माध्यम से हो, उतना आपको फायदा मिलेगा। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम लोकल लेवल पे किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जनता उसमें शामिल हो। मैं जानता हूं कि यहाँ
आपको काफी मुश्किल हो रही है, सूखा पड़ा है। महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, और दिल्ली में आपके मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी। जो भी मदद ये दो सरकारें कर सकती हैं हम करते हैं। वो देखो, ऐसे करो, 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 ये देखिए, ये फोटो है, ये देखो आपके सीए में ही है, इस पे थोड़ा दबाव डालो। चले, नमस्कार।